उज्जैन पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर एस मंतौर पर अपने ही विभाग की महिला आरक्षक जो कि वर्तमान में रतलाम जिले में पदस्थ है, उनके द्वारा सब इंस्पेक्टर जीएस मंतौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत आईजी व एसपी को की। अधिकारियों ने मामला जांच में लेने के बाद चिमनगंज थाने में दुष्कर्म और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर जीएस मंडोत की पत्नी अपनी बेटी के साथ आजक थाने पहुंची और महिला आरक्षक पर आरोप लगाते हुए शिकायती आवेदन देकर पुलिस महोदय के नाम दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत करने पर सब इंस्पेक्टर की पत्नी सुमन मंडोत ने बताया कि महिला आरक्षक ने उनके पति की झूठी रिपोर्ट की है एवं महिला आरक्षक जो कि खुद पुलिस विभाग में है और मेरे पति के साथ 4 से 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी जो कि खुद उसकी मर्जी से रह रही थी। इसके बाद भी उसके द्वारा मेरे पति को फंसाने को लेकर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही मेरे पति से 3,30,000 की सोना चांदी की रकम और नगद रुपये भी लिए गए। महिला आरक्षक द्वारा रतलाम में शादी करने के बाद जब मेरे पति ने उनसे जेवर और नकदी मांगी तो उसने यह आरोप लगाया जो कि पूरी तरीके से झूठा है। जब मैंने महिला के पिता एवं भाई से कहा कि आपकी बेटी मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही थी और गलत तरीके से अवैध संबंध बनाकर मेरे पति के साथ रह रही थी तो आरक्षक के पिता और भाई ने मेरे साथ गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और गंदी गंदी गालियां दी। इसकी शिकायत मैं पहले भी कर चुकी हूँ लेकिन इसके बाद भी मेरे पति पर चिमनगंज थाने में झूठी शिकायत दर्ज की गई जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इस प्रकार का आवेदन सब इंस्पेक्टर जीएस मंडोत की पत्नी सुमन मंडोत ने आज थाने में दिया। जो मेगा राणा है ना, वो मेरे पति और वो दोनों एक ही स्टाफ में सर्विस करते थे और वो जब सर्विस नहीं लगी थी वो उसके पहले से ही वो मेरे पति के साथ में रहना चालू हो गई थी। जब उसकी नौकरी लगी पुलिस में तो मेरे पति ने ही हेल्प करी थी उसकी, सारी पैसे वैसे सब खर्चा पानी का मेरे पति ही घर चलाते थे उनका सारी। और जब उसकी शादी हुई तो उसने 3.5 लाख का जेवर बनवा के ले गई और 2 लाख नकदी ले गई और उसके पापा को मैंने जब लगाया फोन कि आपकी लड़की को मेरे घर से पीछा छुड़ा तो गाली गुप्ता करने लग गया। अब उसकी शादी हो गई तो वो ब्लैकमेल का आरोप लगा रहे मेरे पति के ऊपर, उसके पापा और उसके भैया और उसकी बहन और वो चारों मिलके मेरे पति के ऊपर आरोप लगा रहे बलात्कार का गलत, जबकि वो उसकी राजी मर्जी से ही रह रही थी वो 4-5 साल से। मेगा के खिलाफ, मेगा राणा के खिलाफ, क्योंकि मेरे पति की उसने झूठी कार्रवाई कही। श्रीमती सुमन मंडोत, इनके पति जो है पुलिस विभाग में जो है उप निरीक्षक के पद में पदस्थ है, वर्तमान में पुलिस लाइन में इनकी पदस्थापना है। इन्होंने अभी आके जो है एक आवेदन दिया है, एक महिला आरक्षक जो अभी वर्तमान में रतलाम जिले में पदस्थ है उसके संबंध में इन्होंने बताया है कि मेरे पति के साथ इन्होंने जो है ब्लैकमेल किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और झूठे केस में फंसाने के लिए कहा। इस पर से जो अभी चिमनगंज मंडी थाने में जो है 30/6/2020 को उप निरीक्षक के खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया गया है और इस संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में उन्होंने यह बताया है कि जो है 4-5 साल से मेरे पति से इनके संबंध थे और पति को ये ब्लैकमेल कर रही थी और इन्होंने जो है मेरे पति के खिलाफ जो है झूठी शिकायत की है। ऐसा आवेदन हमको प्राप्त हुआ है, इसकी हम जांच करवा के जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।